बेगमपुर पर गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स शॉप से बदमाशों का धावा, दुकान मालिक को बंधक बनाकर आभूषण लूटे। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने में जुटी। लालकुर्ती थाना क्षेत्र के बेगमपुर स्थित हट्टी ज्वेलर्स शॉप में दो बदमाशों ने लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया। बदमाश लाखों के आभूषण लूट कर फरार हो गए हैं। व्यापारी को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के समय बेगमपुर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। अफसर भी बेगमपुर चौकी पर मौजूद थे। उसके बाद भी लूट की वारदात को बदमाश अंजाम कर निकल गए। लूट की जानकारी मिलने के बाद एडीजी आईजी एसएसपी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। एसएसपी ने पुलिस की 5 टीमें लूट के खुलासे के लिए लगा दी गई हैं। सीसीटीवी से बदमाशों की फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। पीएल शर्मा रोड पर राजीव कपूर का परिवार रहता है। बेगमपुल पर राजीव कपूर की गोपालदी हट्टी ज्वेलरी शॉप के नाम से दुकान है। दुकान पर राजीव कपूर और उनके भाई अमन कपूर बैठते हैं। अमन कपूर दांतों का उपचार कराने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। दोपहर करीब 12:15 बजे दुकान के अंदर दो बदमाश घुस गए। बदमाशों ने राजीव कपूर को पहले बंधक बनाया, उसके बाद गोदाम में अंदर बंधक बनाकर लाखों रुपए की ज्वेलरी लूट कर ले गए। बदमाश दुकान के अंदर करीब 20 मिनट मौजूद रहे। घटना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की। एसएसपी ने लूट के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाकर वारदात के पर्दाफाश का प्रयास किया जा रहा है। एसएसपी रोहित सजवान ने बताया कि पुलिस की टीम में लगाकर जल्द बदमाशों को पकड़ा जाएगा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ये दो व्यक्ति दुकान में घुसे, हमारे मित्र जो हैं यहाँ पे अकेले बैठे हुए थे। दुकान का नौकर बाहर गया हुआ था, वो अपने बैंक के कुछ कागजात चेक वेक साइन कर रहे थे। उतने में ही दो व्यक्ति आए, उन्होंने इनकी दुकान में जो एक छोटी सी खिड़की है उसके दरवाजे में कुंडी लगाई और इनके फौरन एक कट्टा लगाया और चक्कू लगाया। उसके बाद बोला भाई तुझे मारते हैं, बता कैसे करेगा, तुझे बांधते हैं। पहले तो उसको बांधा और उसको इस वाली पैंट्री के अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने चाबी वाबी ढूंढी और उसके बाद उनसे इस अलमारी की चाबी नहीं खुली तो उन्होंने उसको राजीव कपूर को बुला करके बाहर ले करके आए और चाबी से उसको खुलवाया। उन्होंने तो खोल रहा, कोऑपरेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। हमारे मित्र ने उनको कोऑपरेट किया, जैसे भी करके उन्होंने चाबी खोली और उसके बाद इस वाली पैंट्री में हाथ बांध करके अंदर बंद कर दिया। DVR पूछा कहाँ पे, हड़बड़ाहट में मेरे मित्र को DVR समझ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कैमरे का जिसमें रिकॉर्ड होता है तो अंदर उन्हें दिख गया, उन्होंने खुद तोड़ के उसे DVR को भी ले गए, उन्हें अंदर बंद करके बांध करके हाथों से अंदर बंद कर दिया। उसके बाद पूरी दुकान में सब खंगाल करके सारा सामान चोरी करके ले गए, डब्बों में से निकाल के ले गए। उसके बाद उन्हें भयभीत किया और पूछा भाई कहीं और सामान रखा है, क्योंकि उनकी एक अलमारी यहाँ बड़ी है जिसमें उनके फाइल्स पड़े रहते हैं। उसके बाद उसको भी उन्होंने खंगालने की कोशिश करी, उन्होंने भैया कागजों में क्या, उन्होंने बाकी सामान बता कैश कहाँ रखी है, क्या कहाँ रखा है। उसके बाद उन्होंने उसके कट्टा लगा रखा था, चक्कूला एक उसमें से नाम उसने शायद सलीम बताया था। सलीम बता भाई इन्हें मार दूँ या क्या करूँ, उन्होंने कहा भैया छोड़ दे इससे जोबरी हो रहा, हम तो ले जा रहे हैं सामान। सारी दुकान उसका सारा का सारा सामान यहाँ से लेकर चले गए। बेगमपुर प्रशासन इस समय पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है, व्यापार संघ के लोग हैं, सारी कार्रवाई चल रही है। हमें पूरा आश्वासन है कि जल्द से जल्द इस लूट का, इस डकैती का जो दिन भर बाजार में हुई है उसका खुलासा जल्द से जल्द होगा। धन्यवाद। दो जने लोग थे, दोनों दुकान में अकेले बैठे हुए थे, तुरंत घुस गए वो, उन्हें देख करके अकेला। उसके बाद उन्हें बांध दिया और पीछे पैंट्री में और उसके बाद छोटे स्टोर में बंद कर दिया और दुकान में से है जी। मेरा नाम मुनिंदर सिंह डोडी, मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ बेगमपुर व्यापार संघ का। अजय जी, व्यापारी के साथ एक बड़ी वारदात अंजाम दी गई है, क्या है, कितना सामान गया? देखिए, दो लोग आए हैं दुकान के अंदर और ये यहाँ तीन लोग बैठते थे। छोटा भाई है, उसके दांत में प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर के गया था और जो कर्मचारी है वो किसी काम से गया था, ये अकेले थे। दो लोग अंदर घुसे और उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया और उसके बाद इनके साथ उन्होंने जो है जान से मारने की धमकी दी, बांधा इनको पेंट और इनके एक स्टोर में बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने खुली लूट की है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज कावड़ की वजह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सड़क पर अलर्ट है, उसके बावजूद घटना का हो जाना ये मेरठ की पुलिस के लिए चुनौती पूर्ण कार्य उन्होंने किया है। देखिए, लगभग मुझे जो आइडिया लग रहा है, ज्वेलर्स है, आज जो सोने का रेट है उस हिसाब से अगर गणना करेंगे तो मुझको लगता है कि ये लाखों में होगी। पूरी पुलिस दावा कर रही है इस समय सड़कों पर है, थोड़ी दूर चौकी पर ही जो आला अधिकारी बैठे हुए थे, उसके बाद बदमाश दाखिल होता है और आराम से वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। मैंने अभी IG साहब को भी कहा है, SSP साहब को भी कहा है और पहले भी मैं इनसे मिलकर ये बात कह चुका हूँ कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए बाजार खुलते वक्त और बाजार बंद करते वक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, एक बात। इसके अलावा चौराहों पर चेकिंग के नाम पे, वाहनों की चेकिंग के नाम पे जिस तरीके से लूट हो रही है, सारा शहर पूरा आवाम उस बात से परेशान है। उनका जो अपराधी को रोकने की बात है
वो नहीं रुक रहा है, लेकिन चेकिंग के नाम पे लूट हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। पुलिस की मुस्तैदी पे कितना बड़ा सवाल करते हैं, कांवड़ यात्रा है, तरह तरह की मीटिंग हो रही है। निश्चित तौर पे जब सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में इस अपराध का हो जाना और दिन दहाड़े लूट होना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर। लेकिन भैया